विधान परिषद था जिसमें तमाम लोग सुने गए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उन्होंने किसी भी समस्या के ऊपर, जो बेरोजगारों की समस्या मेन है हमारे, इस पर कोई काम किसी ने किया हो। उसका कारण ये भी रहा कि वो मैक्सिमम लोग पट्टा बांध के गले में जाते हैं पार्टियों का, वो उनकी विप से बंधे होते हैं और इसलिए वो बिल्कुल नहीं बोल सकते, इसलिए वो कुछ कह ही नहीं सकते, यही दुर्दशा हुई है। जबकि जो ग्रेजुएट के MLC हैं उनको इसी पे बोलना चाहिए। आपने देखा जिले में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, हम लोग देखा है उस उम्र में कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग अप्लाई करते थे, वहाँ नौकरियाँ मिलती थी कभी कभी। आज आप देखिए कोई वहाँ नहीं जाता, सफ़ेद हाथी की तरह खड़े हुए सारे जिलों में, पूरा पैसा खर्च हो रहा है उसके ऊपर। ये कौन देखेगा इसको? इसको देखने का दायित्व क्या विधायकों का नहीं है जो इसी के लिए चुने गए? आज आउटसोर्सिंग पे बर्बादी की जा रही है हमारी, जितना रोजगार देना है वो सब आउटसोर्सिंग पे आ गया। सरकारी नौकरियां सरकार ने बंद कर दी, लगभग बंद है। अभी मैंने सूचना कार्यालय मंगाया था सरकार से कि 3.5 साल में कितनी भर्तियां आपने की, तो इन्होंने सारे विभागों ने मुझे लिख के दिया कि हमने 3.5 साल में कोई भर्ती नहीं की और 50% पद रिक्त हो गए सारे विभागों में। ये हमने नहीं बोला, ये सारे इनके ही अधिकारियों ने मुझे लिख के दिया। तो ये अव्यवस्थाएँ सारा का सारा चल रही हैं आज की तारीख में, क्योंकि हमारे पास बेरोजगारों की भीड़ है, इसका फ़ायदा हम उठाना चाहते हैं। हम 10,000 रुपये में ही आदमी को रखेंगे, कंपनी के थ्रू रखेंगे, कंपनी को फ़ायदा देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले ज़माने में, आज वो चली गई, भगा दी गई, आज नई दूसरे नाम से पैदा हो गई। तमाम अडवानी भड़ानी दुनिया भर के लोग आ गए, जिनके द्वारा हम शोषण करा रहे हैं बेरोजगारों का। उन्होंने कहा 1,000 कंप्यूटर ऑपरेटर दे दीजिए विभाग में, उन्होंने दे दिए, सारा पैसा वो खा रहे हैं, हमको 11 महीने के बाद निकाल के बाहर कर रहे हैं। ये अगर 11 महीने बाद निकाल के बाहर करेंगे, मान लीजिए 10 साल रख भी लिया किसी ने और 10,000 रुपये दे दिए, उसके बाद कहीं निकाल के बाहर कर दिया, 10,000 रुपये भी नहीं मिले हमारे आदमी को, तब क्या होगा उस परिवार का? आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, उस लायक नहीं रहेगा वो। ये स्थितियाँ आज की तारीख में अपने हैं, जिसको कि कोई समझ नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है इसको। इस पर लोग काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ उन्होंने किसी ने काम नहीं किया, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप गूगल में नाम डालेंगे हमारा तो पूरा इतिहास निकल आएगा मेरा, कि हमने कितनी बार विधानसभाओं को घेरा है, कितनी बार NSC को घेरा है इन मुद्दों पे, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितना हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। चाहे कर्मचारियों के मुद्दे रहे हों, पुरानी पेंशन व्यवस्था में आपने देखा कि पूरा प्रदेश हमने बंद कर दिया था, 2 दिन पूरा प्रदेश हाईकोर्ट तक हमने बंद कर दिया, और उसमें तमाम सारे सुधार हमने कराने का प्रयास किया। तो हमारा मतलब यही है कि जीतने के बाद इन मुद्दों को जो लोग उठाते नहीं उनको उठाना चाहिए। दूसरी बात ये होती है, जितने विधायक आपके हैं उनको इन मुद्दों की जानकारी न तो होती है और न वो जानकारी करना चाहते हैं। हम लोग क्योंकि सालों से 15 साल से तो मैं होल टाइमर संगठन में हूँ, तो हम लोगों को बहुत जानकारी है नियमों की, शासनादेशों की। IAS भी जितने प्रदेश में आपके बैठे हुए हैं वो भी अगर हम जाते हैं उनके कमरे में तो मान लेते हैं कि तिवारी जी आए हैं, तो इनको बहुत जानकारी है। तो हम लोग ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा बात कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे मुद्दे उठा सकते हैं। इसलिए मैंने 2 साल पहले नौकरी से इस्तीफा देके और लड़ने का मन बनाया, और उसमें हम लोग जा रहे हैं कि और भी तमाम सारे मुद्दे अभी तक हम कर्मचारियों के शिक्षकों के लिए पाते थे, लेकिन अब सामान्य मुद्दे जैसे आपका बेरोजगारी का है, ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का है, आपके तमाम सारे लोगों को वो नहीं मिलते हैं, वजीफे नहीं मिलते हैं, बिना लाइन में लगे बिना प्रयास किए, ये जो ऐसे चीज़ें हैं इन पर कोई काम नहीं कर रहा है, इन पर हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि जब आप काउंसिल में पहुँचेंगे तो बेरोजगारी को मुद्दे को आप जबरदस्त तरीके से उठाएंगे? नहीं है मुद्दा, अच्छा अच्छा। और जैसे अभी आपने अडानी इनका नाम दिया, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो केंद्र सरकार है वर्तमान में और उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन लोगों पर उनके सरकार का हाथ है क्या, बर्दाश्त है? नहीं नहीं, विशेषकर मैं सरकारों से बताना चाहूँगा, आपको इस सरकार का भी बताना चाहूँगा कि इनका उद्देश्य ही है कि बड़े बड़े लोगों को पैसा कमाना और नीचे का शोषण कराना। नीचे का शोषण होगा और वो पैसा ऊपर वाले कमाएंगे, ये पूरा का पूरा सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें चाहे केंद्र में देख लें। ये विडम्बना की बात है कि हमारे कर्मचारी समाज इसका समाज का दोहन हो रहा है, या ये कहें कि हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या जो बहुत ज़्यादा है इसलिए उसका लाभ सरकारें ले रही हैं और उनका उत्पीड़न कर रही हैं, ये बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। इस पर बड़े आंदोलन और जन आंदोलन की ज़रूरत है, तब जाकर शायद एक सुधार होगा। सर क्या आपको ये लगता है जो 1.5 साल बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, क्या कोई भर्तियाँ ये पूरी कर सकते हैं युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं? देखिए अभी मैंने जैसा बताया कि सूचना कार्यालय मैंने मंगाया, 3.5 वर्षों में भर्तियाँ नहीं कर पाए, ये मैंने मीडिया को भी दिया है, पूरे तथ्य दिए मीडिया को लखनऊ में बैठ। अब कैसे कितनी जल्दी कर देंगे, 1 साल के अंदर इन्हें करना है, 1 साल के भीतर करना, उसके बाद आचार संहिता लागू शुरू हो जाएगी। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में एक एक दो दो साल लग जाते हैं उनके प्रोसीडिंग में, वो प्रोसीडिंग कैसे पूरी होगी? अगर इन्हें करना था तो इन्हें शुरू से करना चाहिए था,
आज ये जो दिखा रहे हैं कि हम इतनी जल्दी कर देंगे, मैं नहीं समझता कि किसी कीमत पे ये इस प्रोसेस को पूरा करके बहुत ज़्यादा भर्तियाँ कर पाएंगे। ये कह रहे सर, क्या आपने MLC के चुनाव के लिए किसी पार्टी से संपर्क किया था या BJP से या कोई पार्टी से किसी मांग की थी? नहीं, मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया। मैंने कहा जिसको आना है हमें समर्थन दे सकती है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी का पट्टा बांध कर सदन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम फिर उस आवाज़ को नहीं बुलंद कर पाएंगे जो हम लोगों ने जीवन भर लड़ा है। सर क्या प्रयास कर सर एक बात, क्या जैसे BJP कोई सरकार अगर चाहे आपको लड़ाने के लिए, तो आप BJP से लड़ना चाहेंगे चुनाव? नहीं, मैं अपने दिल से चुनाव लड़ूंगा।